दोस्तों अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की केमिस्ट्री जितनी रियल लाइफ में लोगों को पसंद आई उससे कहीं ज्यादा रियल लाइफ में ये जोड़ी सुपरहिट रही है। दोनों ने साथ में रावण, कुछ ना कहो और गुरु जैसी फिल्मों में काम किया। दोनों की लव स्टोरी के बीच लगातार ऐश्वर्या का नाम बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान से जोड़ा जाता था, जबकि मीडिया में यह खबर भी आम थी कि अभिषेक मशहूर फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर से सगाई कर चुके थे। बहरहाल इन सब बातों के बीच अभिषेक की जिंदगी में ऐश्वर्या की एंट्री सभी के लिए चौंकाने वाली थी। आइए जानते हैं कि दोनों की लंबी दोस्ती कैसे गहरी मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभिषेक और ऐश्वर्या की मुलाकात पहली बार साल 2000 में हुई थी, जब वे फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के की शूटिंग कर रहे थे। दोनों ने इसी साल फिल्म कुछ ना कहो में भी काम किया। अब तक इनके बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती ही थी, हालांकि इससे पहले एक बार दोनों 1997 में मिल चुके थे, जब ऐश अभिषेक के अच्छे दोस्त बॉबी देओल के साथ फिल्म और प्यार हो गया में काम कर रही थी। उस समय तक ऐश्वर्या सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थी और वहीं दूसरी तरफ 2002 में अभिषेक की करिश्मा कपूर संग सगाई हो चुकी थी। कपूर और बच्चन परिवार एक होने वाले थे, लेकिन दोनों की जिंदगी में कुछ और लिखा था। खबरों के मुताबिक किसी वजह से करिश्मा और अभिषेक के पेरेंट्स के बीच अनबन हो गई और 2003 में ये सगाई टूट गई। दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय सलमान के व्यवहार से परेशान थी और दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। आप सोच रहे होंगे यहाँ से दोनों की जिंदगी में एक दूसरे की एंट्री हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद ऐश्वर्या की विवेक ओबराय के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी। वहीं अभिषेक की जिंदगी में भी रानी मुखर्जी आ गई। अभिषेक और रानी ने युवा, बंटी और बबली और कभी अलविदा ना कहना में साथ काम किया और दर्शकों को दोनों की जोड़ी बहुत पसंद भी आई। अभिषेक और रानी के अफेयर के हर तरफ चर्चे होने लगे। सबको उम्मीद थी कि एक बार फिर बच्चन परिवार में वही इतिहास दोहराया जाएगा, जया बहादुरी की तरह फिर बंगाली बहू आएगी, लेकिन रानी और अभिषेक के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद अभिषेक ने 10 महीने तक हीरोइन दीपानीता शर्मा को भी डेट किया। माना ये जा रहा था कि दीपानीता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अभिषेक ने उन्हें मनाया। दूसरी तरफ ऐश का विवेक से भी ब्रेकअप हो गया था। करिश्मा और रानी की तरह अभिषेक और दीपानीता के रास्ते भी अलग हो गए। यही वह समय था जब अभिषेक की जिंदगी में ऐश्वर्या राय आ चुकी थी। दोनों के बीच कजरारे गाने के वक्त नजदीकियां बढ़ी। इन दोनों के बीच प्यार भी उसी समय बढ़ा और एक साल बाद सन 2006 में रिलीज हुई फिल्म उमराव जान की शूटिंग के वक्त परवान चढ़ गया। अभिषेक ने बताया था कि जब फिल्म गुरु के प्रीमियर के लिए दोनों टोरंटो में थे, तब अभिषेक ऐश्वर्या को उसी बालकनी में ले गए और उन्होंने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ऐश ने भी उन्हें हाँ कर दी थी। ऐश ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि कितने अजीब तरीके से अभिषेक ने उन्हें प्रपोज किया था। ऐश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अभिषेक ने फिल्म गुरु के सेट से ली हुई किसी चीज के साथ उन्हें प्रपोज कर दिया था, न कि हीरे की अंगूठी या किसी और चीज के साथ। ये देखकर ऐश का दिल पिघल गया कि यह इंसान कितना सच्चा है। बस फिर क्या था, दोनों शादी की तरफ बढ़ गए। हालांकि न्यूयॉर्क में प्रपोज करने के बाद जब दोनों मुंबई लौटे तो 14 जनवरी 2007 को इनकी सगाई हुई। दोनों साथ में स्पॉट होने लगे। ऐश का बच्चन परिवार में आना जाना शुरू हो गया, लेकिन हर रिश्ते की तरह इनकी शादी में भी अड़चने आई। शादी होने से पहले पता चला कि ऐश्वर्या राय मांगलिक हैं, इसलिए अभिषेक से पहले उनकी शादी एक वृक्ष से करवाई गई। यह कुंभ विवाह या ज्योतिष उपायों के अंतर्गत एक विधान है जिससे मांगलिक दोष का निवारण हो सके। यह सब शांत हुआ ही था कि एक लड़की ने इनकी शादी से पहले बवाल मचा दिया। जाह्नवी कपूर नाम की एक मॉडल ने बहुत तमाशा मचाया कि अभिषेक से उनका अफेयर था और उन्होंने शादी करने का वादा किया था। इस बात पर जाह्नवी ने अपनी कलाई भी काट ली थी। हालांकि कुछ वक्त में ही मामला शांत हो गया और इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बताया गया। इसके अलावा ऐश की एक विवादास्पद किस ने भी बवाल मचा दिया था। दरअसल धूम 2 में ऐश और ऋतिक के बीच काफी हॉट किसिंग सीन हुआ था, जिस पर बच्चन परिवार ने आपत्ति और नाराजगी जताई थी। इन सब के बीच आखिरकार वो वक्त आया जब ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, अभिषेक और ऐश्वर्या राय की शादी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।